छत्तीसगढ़ में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री मोहम्मद अकबर ने कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि लोग बड़ी संख्या में विभिन्न विषयों की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं ट्रांसफर का मामला है और वहीं कहीं ग्राम पंचायतों में अनियमितताओं का, कहीं शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आई है। सरकार की कोशिश है कि लोगों को सभी समस्याओं से निजात मिले। वहीं हाथियों से हो रहे जनधन हानि पर भी उन्होंने कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हाथियों को भी नुकसान ना हो और आमजन को भी सरकार जल्द ही इस दिशा में बेहतर परिणाम निकालेगी। तो इसी प्रकार की अलग अलग है, लेकिन अधिकांश जो आवेदन आ रहे हैं ऐसा लगता है कि ट्रांसफर करने के लिए और जो हो गया उसको निरस्त करने के लिए, जबकि जिला स्तर का जो है 12 तारीख का डेट निकल चुका है। जब तक नई नीति कोई शासन की या कोई नहीं आएगी तो इन आवेदन पत्रों में क्या होगा, हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ और राहत हो जाए, तो आने वाले समय में निर्णय लिया जाएगा। सीबीआई की टीम